भारत में स्वतंत्रता के बाद शासन व्यवस्था में अनेक बदलाव हुए, लेकिन सिविल सेवा से जुड़े उत्तरदायित्व, चुनौती और समाज में प्रतिष्ठा की वजह से सिविल सेवा के प्रति आज भी जबरदस्त आकर्षण है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था के शुरुआत के बाद निजी क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध होने के बाद भी सिविल सेवा में चुने जाने का सपना आज हर युवा का होता है। लेकिन क्या कारण है कि लाखों छात्रों की तैयारी करने और शामिल होने के बाद भी अंतिम रूप से कुछ ही छात्र सफल हो पाते हैं? इसका कारण ये है कि एक तो सीटों की संख्या सीमित होती है और कंपटीशन ज्यादा होता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा हर साल 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा सी सेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ के आधार पर होता है, जिसे उम्मीदवार की सामान्य अध्ययन और एप्टीट्यूड का आकलन किया जाता है। मुख्य परीक्षा में आपके द्वारा चुने गए विषयों पर पेपर होते हैं। इंटरव्यू, इस चरण में सिविल सेवा व्यक्तित्व टेस्ट होता है। इन तीनों चरणों में सफल अभ्यर्थी की प्राथमिकता और वरीयता के हिसाब से IAS, IPS, IFS, IRS तथा अन्य केंद्र सेवाओं के लिए चुना जाता है। अंतिम चयन में स्थान बनाने के लिए अभ्यर्थी को कड़ी मेहनत और नियमित अध्ययन की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक आयोग के सिफारिश के बाद तो आयोग द्वारा पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव भी किया गया है। आयोग ने ये बदलाव इस प्रकार से किया है कि अभ्यर्थी की परीक्षा सिविल सेवा में आने वाले चुनौतियों के हिसाब से शुरुआती चरण से ली जा सके। पहला चरण, सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा मुख्यतः अगस्त में होती है, जिसका परिणाम अक्टूबर में घोषित किया जाता है। दूसरा चरण, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हर साल दिसंबर महीने में जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा को पास करते हैं उनकी होती है, जिनका परिणाम मार्च महीने तक घोषित किया जाता है। तीसरा चरण, सिविल सेवा इंटरव्यू टेस्ट मुख्यतः मई महीने में होता है। देश का सबसे बड़ा पद होने के नाते UPSC बोर्ड अपनी एक नजर उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया पर भी रखती है। साक्षात्कार के लिए यहाँ एक नया नियम बोर्ड ने निकाला है। सरकार ने 2015 सिविल सेवा की परीक्षा के साथ आयु सीमा बदल दी है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल, जिसमें परीक्षा देने की सीमा है 6 बार। OBC वर्ग की अधिकतम आयु सेवा 35 साल, परीक्षा देने की सीमा 9 बार। SC और ST श्रेणी की अधिकतम आयु सीमा है 37 साल और वो 37 साल की आयु सीमा तक परीक्षा दे सकते हैं। शारीरिक विकलांगता, अधिकतम आयु सीमा है 42 साल, इसमें सामान्य 9 बार, OBC 9 बार, SC और ST जीवन भर परीक्षा दे सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की इस अधिसूचना को फरवरी माह में प्रकाशित किया जाता है। इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग की वेबसाइट से आपको आवेदन और परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी।